नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सितंबर फुल मंथ के करंट अफेयर्स, जिसमें हम 60 क्वेश्चनों को करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम 60 क्वेश्चनों करेंगे, पर ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम तय जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। तो इनमें से जो महिला व्यापार केंद्र है किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं? तो ये संयुक्त विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर है डी, रूस देश जो है ये शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मर्सिडीज ड्राइवर का नाम बताइए जिसने हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ये जो ग्रैंड प्रिक्स 2020 है ये जीती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सा महीना वर्ष 2020 के पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? तो पोषण माह के रूप में इनमें से कौन सा मनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर का महीना जो है ये पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। किसकी घोषणा के अनुसार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार ने जो है EC के रूप में अर्थात ये जो इलेक्शन कमीशन है चुनाव आयुक्त इसके रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात ये जो PTI है के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अभी सरकार को जो है PTI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI 2021 में दिल्ली, मुंबई और कौन से देश में जाए साइकिलिंग समिट की मेजबानी की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन ए, बेंगलुरु जो है साइकिल समिट की मेजबानी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में गंदगी भारत नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो ये जो गंदगी भारत छोड़ो नाम से अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे जा रेलवे बोर्ड के नए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेलवे के जो है ये नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, VK यादव जो है ये जो रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि रेलवे की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसमें जो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग में इनमें से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड देश जो है ये 2020 की जो रैंकिंग थी इसमें शीर्ष पर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ये बनी है उषा पाड़े। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम था जिसने होम उत्सव नामक एक वर्चुअल संपत्ति जो प्रदर्शनी शुरू की है? यह शुरू की गई है ICICI
बैंक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के द्वारा किए गए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम, इसका नाम है इंदर नेवी। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम था जिसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं राजकुमार श्रीवास्तव। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई, ये की गई है रूस देश की अध्यक्षता में। दोस्तों ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है एक एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पांचवी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक है ये रूस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है, ये जो है आई रखवाली नाम से ऐप लॉन्च की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है, ये की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने वाले रेसर का नाम, तो ये जीती है पीरे गैसली ने। दोस्तों आपको इसमें जो उलझना नहीं है कि ये जो इसमें पूछा गया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, तो ये जो अलग अलग होती हैं, यहाँ पर इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने वाले रेसर का नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है पीरे गैसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का नाम था जिसे हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहली विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, यह किया गया है विलिंगटन शहर को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपना नाम बदल लिया है, तो उनका जो नया नाम अब क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए VI जो है इनका अब नाम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वर्चुअल मोड में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, ये जो वर्चुअल मोड में G20 शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता है यह की गई है सऊदी अरब के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है, तो इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था, तो ये जो भारतीय जो रेडियो खगोल विज्ञान के ये जनक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, AITA का जो नया अध्यक्ष है ये बने हैं अनिल जैन। राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो ये किए गए हैं डेविड एटनबरो को। राइट आंसर ऑप्शन बी डेविड एटनबरो। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है, पत्रिका गेट ये जो पत्रिका गेट है इसका उद्घाटन किया गया है जयपुर शहर में। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस नाम से दो पोषण योजनाएं शुरू की गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश।
में जो है YSR पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस नाम से दो योजनाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी के ने जो US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड जो स्लैम खिताब है ये जीत लिया है? तो ये जो पहला जो ग्रैंड स्लैम जो खिताब है ये जीता गया है डोमिनिक थीम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये जो दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये कर्नाटक में है। और ये भी आ सकता है कि कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम अब कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर अवेयर चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को जो अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? यह बनाया गया है आयुष्मान खुराना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली एम जिला क्रिकेट संघ ने इनमें से किसे DDCA का जो अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? ये जो DDCA है इसने अपना नया जो लोकपाल है ये नियुक्त किया है बदर दुरेज अहमद को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम है इसका नाम बदलकर अब जो है किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो इनका नाम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो इनका नाम ये रखा जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नोआमी ओसाका ने US ओपन फाइनल मुकाबले में बेलारूस की जो ये टेनिस खिलाड़ी थी विक्टोरिया एजारेंको को अपना जो तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? ये जीता गया है राइट आंसर ऑप्शन डी, जापान की जो है खिलाड़ी है। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो नाओमी ओसाका है इसने किस खिलाड़ी को हराया है? तो इनका नाम है विक्टोरिया एजारेंका और ये किस देश की है? तो ये बेलारूस की है। दोस्तों एग्जाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इनका जो है ये कौन सा जो है किताब है? तो इन्होंने तीसरा ग्रैंड स्लैम जो किताब ये अब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसमें वुमेन सिंगल का खिताब पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ जो शुभारंभ है ये किस बैंक के द्वारा, ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सेवा है इसका शुभारंभ किन के द्वारा किया गया है? तो ये जो रक्षा मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण इनके द्वारा जो इसका शुभारंभ किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के इनमें से किस शहर में एम्स जो है स्थापना करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दरभंगा जो शहर है वहाँ पर एम्स स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने भारत की पहली जो है संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? यह की गई है SBI बैंक के साथ। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की ये जो चौथी बैठक थी इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के जो चौथा संस्करण है इसका उद्घाटन किया है? ये जो वैश्विक आयुर्वेद जो शिखर सम्मेलन है इसके चौथे संस्करण का जो उद्घाटन है ये किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर जाडागर का नाम रखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन
बी अमेरिका का जो है ह्यूस्टन शहर है वहाँ पर इनके नाम पर जडागर का नाम रखा जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबा, जिससे जब आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, AK-203। ये जो है एक AK-47 का जो है उन्नत जो नया संस्करण अपग्रेड वर्जन है, तो AK-203 को जो मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना WMUY का शुभारंभ किया है। ये जो शुभारंभ है ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खोला है। तो ये जो हैप्पीनेस म्यूजियम है ये कहाँ पर खुला है। राइट आंसर ऑप्शन डी, डेनमार्क। डेनमार्क में जो है पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की जो सबसे बड़ी खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का जो वायदा किया है, ऐलान जो है किस राज्य की सरकार ने इसको किया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने हाल ही में जो है यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश में जो है ये फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने जो है उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अभ्यास मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अभ्यास मिसाइल है इसका जो परीक्षण है ये किस स्थान पर किया गया है, तो उड़ीसा के जो बालासोर जो स्थान है वहाँ पर इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है। ये जो घर तक फाइबर योजना है इसका शुभारंभ किया गया है बिहार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2020 में किसका नाम इनमें से शामिल है। ये जो टाइम्स जो पत्रिका है इसने जो है 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, इसमें जो है नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में ये जो CATR है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये बने हैं आमिर खान। राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों ये जो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन है एक क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व समुद्र दिवस का जो थीम है एक क्वेश्चन जो है थीम से भी आता है, तो ये जो विश्व समुद्र दिवस 2020 का जो थीम है विषय ये है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से किस नाटक में एमी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। ये जो एमी अवार्ड है 2020 का खिताब किनके द्वारा इसमें जीता गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सक्सेशन के द्वारा जो है 2020 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से इनमें से किसका नाम टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोक सूची 2020 में कलाकार में शामिल किया गया है। दोस्तों ये जो टाइम पत्रिका है इसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई थी, उसमें जो है नरेंद्र मोदी का नाम था, और इसमें जो है ये कलाकार जो है ये पूछा गया है, तो ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर कलाकार की श्रेणी पूछी गई है, तो इसमें जो ये आयुष्मान खुराना है इनको स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अभिनेता हाल ही में ये जो एशियर इंडिया है जो ये लैपटॉप वगैरह का जो सामान बनाती है के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये बने हैं सोनू सूद। राइट आंसर ऑप्शन सी, सोनू सूद अभिनेता जो है ये एशियर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल सदस्य नियुक्त
किए गए हैं। ये किए गए हैं गिरिजा शंकर मुंगाली, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया की पहली बायोनिक आँख का आविष्कार किया गया है? ये जो पहली बायोनिक आँख है इसका आविष्कार किया गया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में आई जी नोबल प्राइज 2020 जीता है? ये जो आई जी नोबल पुरस्कार 2020 है ये जीता गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इनको जो है सबसे प्रभावशाली जो 100 व्यक्ति की सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं? ये बने हैं सीमांचल दास, राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो सीमांचल दास है ये IMF के कार्यकारी निदेशक के जो नए सलाहकार ये बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ये जो 6 मेगा प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन जो किया गया है उत्तराखंड राज्य में, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं डेनमार्क के साथ, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो हाल ही में भारत ने जो है डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं? ये जो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है इसने जो है 20 साल पूरे कर लिए हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, दूर संचार नियामक प्राधिकरण ये जो ट्राई है इसने अगले कितने साल के लिए पीड़ा वगैरह को अपना चेयरमैन चुना है? तो ये चुने गए हैं 3 साल के लिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 साल। दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है सितंबर महीने के करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।